शांति। आज का अभी का ये विषय है कि हमारे भारत के कहीं कई महाग्रंथ है जिसमें से रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी भारत के अंदर तो क्या लेकिन सारे विश्व के अंदर भी कई लोग इस पर रिसर्च करते हैं और उससे कई प्रकार के तथ्य निकालते रहते हैं। रामायण के इस महाकाव्य के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको हम आज के युग में वर्तमान समय मनुष्य जीवन के अंदर उसको रिलेट कर सके, क्योंकि जो भी बात हमारे शास्त्रों में आई है हर एक बातों के पीछे कोई ना कोई मर्म छिपा हुआ है। जिस मर्म को व्यक्ति वर्तमान समय के साथ भी लागू कर सकता है और उसमें से जीवन जीने की एक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये सभी महाकाव्य महाग्रंथ जो है उसमें वर्तमान परिस्थिति को भी बहुत सुंदर रीति से दर्शाया गया है और इसीलिए वर्तमान समय में मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में भी उससे कुछ सीख प्राप्त कर सकता है, उससे कुछ प्रेरणाएं जीवन में ले सकता है जिससे अपने जीवन को श्रेष्ठ और एक दिशा दे सके। जो कई बार भटकने का एक अनुभव हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है मनुष्य के, ये महाकाव्य के अंदर उसके सॉल्यूशंस, उसके समाधान दिए हुए हैं। इसीलिए तो उन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। लेकिन अब इसका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा हमें बताते हैं कि ये सिर्फ उस समय की एक कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, लेकिन वास्तव में ये वर्तमान समय की संसार की एक दशा है और इसलिए इसमें से ही हमें एक दिशा अपने जीवन के लिए भी मिल सकती है। वो दिशा किस प्रकार हम प्राप्त करें, तो रामायण के महाकाव्य के अंदर जितने भी पात्र दर्शाए गए हैं हर पात्र के पीछे भी कुछ तथ्य समाया हुआ है। जैसे श्री राम का पात्र एक ऐसा पात्र है कि जहां उनको एक आदर्श दिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहते हैं, और जिन्होंने हर प्रकार के संबंधों को बहुत खूबी से निभाए, कोई भी प्रकार के संबंध के प्रति उन्होंने कभी भी अपने मन के अंदर कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव उत्पन्न होने नहीं दिया। परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है, वर्तमान समय के अंदर समस्याएं हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या होता है, तुरंत एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है या किसी को हम तुरंत दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न कर देते हैं कि ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, ये परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ।
परंतु श्री राम के जीवन के अंदर भी अनेक परिस्थितियां आई, अनेक समस्याएं आई और इस तरह की समस्याओं को भी उन्होंने कितने स्वस्थ मन से हैंडल किया, लेकिन कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया कि ये रावण के कारण ऐसा हुआ या मंथरा के कारण ऐसा हुआ या कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। नहीं, कहीं पर भी नकारात्मक मनोवृत्ति से कार्य नहीं किया, हर प्रकार के समाधान को भी ढूंढते रहे और उन समस्याओं को सुलझाते रहे, लेकिन कहीं पर भी नेगेटिव भाव या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन में आकर के कोई कार्य या कोई डिसीशन नहीं लिया। आज की दुनिया के अंदर भी क्या होता है, किडनैपिंग के केसेस होते हैं, उस समय में भी ये परिस्थिति दर्शाई गई है कि कैसे किडनैपिंग किया गया। आज की दुनिया के अंदर भी अहंकार से भरे व्यक्ति है, उस समय में रावण को अहंकारी या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरपूर दर्शाया गया, ईर्ष्या द्वेष को लेकर दर्शाया गया। तो जो परिस्थिति रामायण के अंदर दर्शाई हुई है वही परिस्थिति वर्तमान युग में है, और इसलिए हमें अपने संबंधों को किस प्रकार सुकुशलता के साथ निभाना है इसका अद्वितीय स्पष्टता ये रामायण के महाकाव्य में प्राप्त होती है। और फिर भी मानवीय संबंधों में हम आदर्श व्यवहार कैसे कर सके ये बात को बहुत स्पष्ट किया गया है। आगे अगर देखें हम कि रामायण के अंदर रावण का एक ऐसा पात्र है कि जिस रावण के अंदर कई प्रकार की नकारात्मक मनोवृत्तियां थी और उसको नष्ट करने के लिए दशरथ के बेटे श्री राम को जन्म लेना पड़ा, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राम भी कितने हैं इस संसार के अंदर, मुख्य रूप से तीन राम दर्शाए गए। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा गया है, आत्मा राम है। एक राम जगत से न्यारा, जो इस संसार से न्यारा परमात्मा को भी राम कहा जाता है। तो ये तीनों राम की कहानी मिक्स हो गई है। सत्युग और त्रेता युग में तो कोई भी प्रकार के नकारात्मक व्यक्तित्व का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ये कहानी आत्मा राम और परमात्मा राम के बीच में है। और इसलिए ये आत्मा राम किस प्रकार आध्यात्मिकता का अगर सहारा ले तो कैसे अपनी स्वस्थ मनोवृत्ति के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सके। जीवन में जब भी नकारात्मक बातें आती है तो उसको चैलेंज करने के जैसे स्थितियां पैदा हो जाती है, और इसलिए ये रामायण का एक ऐसा गुह्य रहस्य है जहां ये मानव में एक अंतर युद्ध की बात है अच्छाई और बुराइयों के बीच में। आत्मा राम के जीवन में ये एक निरंतर युद्ध चलता रहता है और ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच में। हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयां भी हैं
हर एक व्यक्ति के जीवन में बुराइयां भी है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नकारात्मक फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है और वो अच्छाई के ऊपर भी हावी हो जाती है, उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्री राम अर्थात अच्छाइयों को जागृत करना, और कैसी भी नकारात्मक बातें क्यों ना आए जीवन में, लेकिन उसको ललकार देना। ललकारने के लिए सर्वप्रथम वो बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। इसलिए रावण अर्थात जो नकारात्मक और अशुद्ध कर्म है, जिन्हें व्यक्ति अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के करता है, लेकिन जब व्यक्ति सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए विश्वास रखता है या निश्चय करता है, तो उस समय नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी होने लगती है और उसको चुनौती देने के समान है, और ये चुनौती जैसे उसके लिए एक युद्ध बन जाती है। और इस युद्ध के अंदर देखा जाता कि वो नकारात्मक शक्तियां विदाई लेने से पहले अपना बहुत भयंकर स्वरूप धारण कर सकता, जिससे कभी कभी इंसान डर जाता है और सोचता है कि अच्छाइयों के मार्ग पर चलना मेरे बस की बात नहीं है, और इस तरह घबरा करके वो छोड़ देता है। वास्तव में जितना हम स्वयं के अंदर विश्वास रखेंगे, परमात्मा राम में विश्वास रखेंगे, उतना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसकी शक्ति के सहारे भी हम ये रावण या नकारात्मकता के ऊपर विजयी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बाह्य जगत की जानकारी हम पांच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये जानकारी को संस्कार में बदल देते हैं अपने भीतर। इन संस्कारों के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा, लेकिन जितना इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर नियंत्रण है, जितना हम अपने मन को अनुशासन में चलाते हैं, उतना हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंद्रियों के लगातार अनुशासन से जो मनुष्य जीवन में अज्ञानता है, उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं, और उसके आधार पर अच्छाई और बुराई में बहुत अच्छी तरह से हम स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी प्रेरणा ले सकते कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छाइयों के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। आध्यात्मिकता के सहारे से क्या होता है, तो जहां दिखाया दशरथ जैसा व्यक्तित्व हम अपना बना सकते हैं। दशरथ अर्थात जो व्यक्ति अपनी दसों इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है। ये शरीर एक रथ है, इसीलिए तो कभी किसी ने शरीर छोड़ा होता है तो कहते उसकी अर्थी जा रही है। ये शरीर एक रथ है जिसके अंदर 10 घोड़े हैं, इसीलिए उसको 10 रथ कहा। पंच कर्मेंद्रिय के घोड़े हैं, पांच इंद्रियों के घोड़े हैं और पंच ज्ञानेंद्रिय के घोड़े हैं। तो ये 10 घोड़े का प्रतीक 10 रथ है, और जब उसने आध्यात्मिकता का समावेश किया उसके जीवन में, तो ये 10 इंद्रियों के ऊपर उसका संपूर्ण अधिकार था, जिसको दूसरे शब्द में हम कहें तो स्वराज्य अधिकारी था। और उसकी 3 रानियां इसलिए दिखाई कि जिस आत्मा का अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है, वो आत्मा के अंदर 3 विशेषताएं जरूर होती है।
सर्वप्रथम रानी उसके दर्शाई गई है कौशल्या, अर्थात वो आत्मा सर्व प्रकार की कुशलता संपन्न होता है। कैके अर्थात जो सर्व प्राप्तियों संपन्न है, हर प्रकार की प्राप्ति बचपन से ही उसके जीवन में उपलब्ध थी, और सुमित्रा अर्थात उसका कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक के साथ मित्रता का भाव, शुभ भावना की प्रतिमूर्ति है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा के जीवन में सर्व कुशलता अपने आप आ जाती है, सर्व प्राप्ति संपन्न वो आत्मा बन जाती है, और सर्व के प्रति उसकी स्वाभाविक रूप से शुभ भावना स्वतः बनी रहती है। फल स्वरूप उसको चार बेटे हैं, और ये चार बेटे हैं श्री राम, जो विवेक का प्रतीक है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान का विवेक भरपूर था। भरत अर्थात जो समर्पण मयता का प्रतीक है। लक्ष्मण अर्थात जिसके मन के लक्ष्य में एक ही बात है, त्याग। और शत्रुघ्न अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं, और इसीलिए हर एक के प्रति उसकी सहयोग देने की भावना सदा बनी रहती है। तो ऐसे चार बेटे अर्थात उसके जीवन की ये चार धारणाएं थी, और ये चार धारणाएं जो आध्यात्मिक विद्या के चार विषय है। श्री राम विवेक अर्थात ज्ञान, भरत समर्पण मयता अर्थात योग, योग माना जहां हम बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पण करते हैं, लक्ष्मण अर्थात जिसकी मन की एकाग्रता के अंदर यही त्याग की भावना समाई हुई है, अर्थात उसका तीसरा विषय धारणा, और चौथा विषय जहां सर्व को सहयोग देने की बात आती है अर्थात सेवा भाव। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों विषय के बीच वो बैलेंस, एक संतुलन बनाए रख सकता है कौन? वही स्वराज्य अधिकारी आत्मा। और इसलिए सर्वप्रथम ये चारों राजकुमारों को कहते हैं, वो वशिष्ठ मुनि जी के पास भेजते हैं शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए, जहां वशिष्ठ मुनि अर्थात जो वेदों का ज्ञान अपने जीवन में रखता है, और इस तरह से उन्होंने नित्य ज्ञान का अध्ययन करके ये चारों विषयों को मजबूत किया अपने जीवन के अंदर, ये चारों विषयों के पिलर्स को मजबूत किया। हम भी अपने जीवन के अंदर अगर अच्छाई को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य ज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। जितनी शिक्षा और दीक्षा हम अपने जीवन में निरंतर अध्ययन करते जाते हैं, उतना हम ये चारों विषय के बीच में एक संतुलन बनाए रख सकते हैं, और समय प्रति समय उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही उसमें निपुण हो गए, वैसे ही उनको विश्वामित्र जी लेने आते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट में जिनके संतुलन की स्थिति है, जिनकी भावनाएं हैं, उसके हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः उदय हो जाती है, जिसको दर्शाया गया है विश्वामित्र जी के रूप में। विश्वामित्र जी अर्थात जिनकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा नित्य ज्ञान के अध्ययन से
जब ये चारों विषयों में मजबूत बन जाते हैं, चारों धारणाएं उनके जीवन में मजबूत है, तब उसके हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः प्रकट हो जाती है और इस तरह वो अनेक आत्माओं के लिए रक्षक बन जाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी उन्हें रक्षा करने के लिए अपने साथ ले गए कि जो अनेक असुर थे, ताड़का जैसे असुर थे, उनको मारने की सामर्थ्य भी उस आत्मा के अंदर आ जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति या असुर की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर इतनी सामर्थ्य आध्यात्मिक ज्ञान से हम प्राप्त कर लेते हैं, जो कैसी भी बुराई क्यों न हो, उस बुराई को भी नष्ट करने की शक्ति हम अपने जीवन के अंदर विकसित कर सकते हैं। तो विश्वामित्र की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना से बुराइयों को स्थान मिल नहीं सकता है। और इस तरह सही अर्थ में यज्ञ रक्षक बन जाते हैं। यज्ञ की रक्षा करनी, यज्ञ किस लिए करते हैं? यज्ञ करते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए। तो जो संसार के अंदर आज वातावरण के अंदर नकारात्मक भावनाओं को लेकर के अशुद्धि व्याप्त हो गई है, उसको नष्ट करने के लिए यज्ञ अर्थात एक शुभ कार्य, जहां तपस्या है तो ये जीवन उनका एक तपस्या बन जाता है कि हर प्रकार की बुराइयों से रक्षा करने की सामर्थ्य, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मनोवृत्ति से उनकी ये सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर आ जाती है। जहां दिखाते हैं कि यज्ञ के अंदर असुरों ने हड्डियां डाली, ये हड्डियां क्या है? नकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक मानसिक स्थिति, ये हड्डी के बराबर है जो वायुमंडल को अशुद्ध करता है, जो वायुमंडल को दूषित करता है। तो विवेक अर्थात श्री राम जहां है, लक्ष्मण अर्थात त्याग की भावना जहां है, जिसके अंदर अहंकार का त्याग किया हुआ है और विवेक को जागृत किया हुआ है, विश्व बंधुत्व की भावना जिसके अंदर है, उसके अंदर नकारात्मकता, उसकी मन स्थिति को अशुद्ध करने की हिम्मत भी नहीं रखती है। और इस तरह से प्यूरिफिकेशन वाइब्रेशंस के माध्यम से हो सकता है। आगे जैसे दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं राजा जनक की राजधानी में मिथिला, के जहां सीता जी का स्वयंवर होना था, लेकिन रास्ते में जाते समय अहिल्या मिलती है जो पत्थर बन गई थी शाप के कारण। अर्थात जब हम अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं, वातावरण की शुद्धि, मानसिक स्थिति का शुद्धिकरण कर लेते हैं, तब अहिल्या जैसे पत्थर जो बन गए हैं, पत्थर अर्थात के सचमुच कोई पत्थर नहीं बन गया है, लेकिन आज की दुनिया के अंदर भी जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जैसे अहिल्या के जीवन में आई थी, ऐसी घटनाएं जो घटती है उसके बाद वो खुद को शापित कर लेते हैं और पत्थर जैसे बन जाते हैं, भावना शून्य हो जाते हैं, उनका हृदय पत्थर जैसा बन जाता है, उनका मस्तक, उनके विचार शक्ति शून्य हो जाती है और इस तरह से दिल और दिमाग दोनों ही पत्थर जैसे बन जाते हैं।
ऐसी पत्थर जैसी आत्माएं जो हो गई है भावना शून्य, उनको भी जब श्री राम का अर्थात विवेक का स्पर्श होता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श होता है, तब उनके अंदर पुनः जीवन जीने की एक आशा का किरण जागृत हो जाता है कि हम भी अपने जीवन को फिर से ऊंचा उठा सकते हैं और धन्य धन्य बना सकते हैं। तो श्री राम का स्पर्श मिला अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श जीवन में जरूरी है। उसके बाद दिखाते कि सीता जी जो धरती मां की पुत्री थी, राजा जनक ने उसको गोद लिया था और सीता जी प्रतीक है पवित्रता का, शालीनता का, सुंदरता का और श्रद्धा का। कहने का भावार्थ कि धरती मां की पुत्रियां तो हम सभी है, ये शरीर बना है मिट्टी से, तो धरती से ही पैदा हुए हैं हम, और धरती से पैदा हुए हैं। आत्मा भी जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो वो सच्ची सीता की तरह होती है, जो पवित्र स्वरूप है, सुंदर सर्व गुणों की सुंदरता जिसके अंदर है। एक बच्चा जब पैदा होता है पवित्र स्वरूप है, सर्व गुणों की सुंदरता उसके अंदर है, शालीनता है और श्रद्धा है, जीवन जीने की एक एक विश्वास है उनके अंदर। तो वास्तव में सीता जी तो हम सभी है, कोई एक सीता की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो पवित्रता शालीनता गुणों की सुंदरता हमारी नष्ट हो जाती है, लेकिन जो आत्मा उसको अपने जीवन में सदा काल रख सकती है वो है सच्ची सीता, जिसको वरने के लिए श्री राम आते हैं, अर्थात पवित्रता का वरण करने के लिए विवेक सामने आता है। जिस आत्मा के जीवन में पवित्रता को स्थान है वो आत्मा ही ज्ञान युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि अपनी बना सकता है। और इसीलिए दिखाते हैं कि राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो सीता जी से शादी करना चाहते हैं, स्वयंवर में चाहते हैं, उसके लिए उसको शिव धनुष तोड़ना पड़ेगा। और ये शिव धनुष क्या होता है? शिव का धनुष कोई साधारण चीज नहीं है, शिव का धनुष भी इतना पावरफुल होता है, अर्थात पवित्रता का वरण करना चाहते हो, जीवन के अंदर उसको अपनाना चाहते हो तो शिव धनुष को तोड़ना माना अहंकार को तोड़ना है। ये शिव धनुष है, जिस आत्मा ने अहंकार को तोड़ा वही पवित्रता को अपना सकता है, क्योंकि जहां अहंकार है यह सबसे बड़ी इंप्यूरिटी है, यह सबसे बड़ी अपवित्रता है, क्योंकि उसी से ही अनेक ऐसे दुख देने वाले कर्म भावनाएं हमारे मन के अंदर आ जाती है। तो इसलिए दिखाते कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ सके, बाकी जो स्वार्थी लोग थे उनके लिए तो उसको छूना भी मुश्किल था, जो साधारण लोग थे उसके लिए तो तोड़ना असंभव था, जो छोटे दिल वाले कायर लोग थे उनके अंदर तो भय उत्पन्न हो जाता था उस धनुष को तोड़ने के पहले ही, लेकिन जो आत्मा अहंकार से ऊपर उठा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर एक विवेक को रखता है वही इस शिव धनुष को तोड़ सकता है, और तभी पवित्रता का वरण हो जाता है, अर्थात सीता के साथ श्री राम का स्वयंवर हो गया।
आत्मा राम का पवित्रता के साथ वर्ण हो गया। और इस तरह से आगे हम देखते हैं कि पवित्रता, शालीनता, सुंदरता को जीवन में हम अपना सकते हैं, उसकी धारणा जीवन में कर सकते हैं, यही सीता जी को प्राप्त करना है। परंतु जब ये शिव धनुष टूटता है तो कहा जाता है कि परशुराम जी हिल गए और वो क्रोधित होकर के पहुंच गए वहां पर। अब यहां एक सोचने जैसी बात है कि दशावतार के बारे में तो सभी ने पढ़ा है शास्त्रों के अंदर कि समय प्रति समय जब परमात्मा ने कोई ना कोई रूप धारण करके ये संसार में आए तो वो 10 अवतार दिखाते हैं। उस 10 अवतार में एक अवतार परशुराम जी का दिखाते हैं, एक अवतार श्री राम का दिखाते हैं। तो दोनों अवतार एक ही समय में कैसे हाजिर हो सकता है, क्योंकि दोनों अवतार अलग अलग समय में थे। जब अगर दोनों अवतार एक ही समय में उपस्थित है तो फिर एक दूसरे को तो पहचान लेना चाहिए। जबकि दिखाते हैं कि परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए श्री राम के ऊपर, उसको पहचान नहीं सके। अब अपना ही अगर दूसरा स्वरूप हो और वो हमें ही ना पहचाने, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो संसार में भी ऐसे कई आत्माएं हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप से विघ्न डालना आरंभ करते हैं। लेकिन श्री राम जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, पवित्रता को अपना लिया है, वह मीठे शब्दों से उन्हें भी शांत कर देते हैं और उनका भी कल्याण कर लेते हैं। जो एकदम क्रोधित होकर के हमारे सामने आ जाते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। और इस प्रकार रामायण के अंदर आगे हमें देखने को मिलता है एक और पात्र, मंथरा का पात्र। मंथरा का पात्र एक ऐसा पात्र है जिसने कैके के कान भरे, अर्थात पर चिंतन। दुनिया के अंदर भी यही कहा जाता है, पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्म चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और इस तरह से सर्वप्रथम जो हमारे सामने विघ्न आता है वो है पर चिंतन का, कि दुनिया के अंदर भी जब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं, पवित्रता को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, तो कई लोग ऐसे आते हैं अपने सामने भी जो मंथरा जैसा कार्य करते हैं, अपने संग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते, कुसंग के प्रभाव डालने का एक प्रयत्न करना। और इस तरह से कैके को जब वो प्रभावित कर देते हैं और कैके जब उनकी पर चिंतन वाली बातों के अंदर आ जाते हैं तो कुसंग उसकी बुद्धि का सत्यानाश कर देते हैं। वो आत्मा अपना आत्म नियंत्रण खो देती है और अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन? कुसंग के अधीन हो जाते हैं, पर चिंतन की बातों के अधीन हो जाते हैं। और जब अधीनता आ जाती है तो दूसरे को भी वो मजबूर करने लगते हैं कि वो भी अधीन हो जाए। और इस तरह से कैके ने दशरथ को भी, जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज था, स्वराज्य अधिकारी था, लेकिन कुसंग ऐसा प्रभाव है जो उसको भी वश कर देता है। और इस प्रकार इच्छाओं के वश
वो करने का प्रयत्न करते हैं। कैके ने अपनी दो इच्छाएं अब उनके सामने रख दी कि श्री राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी मिल जाए। ये इच्छा मनुष्य जीवन में भी जब वो कुसंग के अधीन हो जाते हैं, पर चिंतन के वश हो जाते हैं, तो इच्छाओं के अधीन होना स्वाभाविक है और दूसरों को भी मजबूर कर देते हैं अधीन होने के लिए। नहीं तो कैकेयी को कोई प्रकार की अप्राप्ति नहीं थी, हर प्रकार से प्राप्ति संपन्न आत्मा थी। प्राप्ति संपन्न होते हुए भी इच्छाओं के अधीन हो जाना, और जैसे इच्छाओं के अधीन हुए दशरथ भी उसके होना पड़ा मजबूरी के वश, तो ये तीनों हमारे जीवन से विदाई ले लेते हैं। उस आत्मा के जीवन से जैसे ही स्वराज्य को खो दिया, आत्मनियंत्रण खोया, इंद्रियों के इच्छाओं के अधीन हुए, तो सर्वप्रथम विवेक ज्ञान चला जाता है, उड़ जाता है, पवित्रता हमारे जीवन से निकल जाती है। इच्छाएं ये अपवित्रता है, इसलिए पवित्रता वहां टिक नहीं सकती है। और तीसरा, त्याग की भावना भी वहां से खत्म हो जाती है। तो ये तीनों हमारे जीवन से विदाई ले लेते हैं, या जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है उसके जीवन से, उसके राज्य से ये तीनों ने विदाई ले ली। और इस तरह से विदाई लेकर के सुमंत उनको छोड़ने जाता है। जब पवित्रता, विवेक और त्याग चले जाते हैं, तो दशरथ का अपनी संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वो मृत्यु शैया पर आ जाता है। वो जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि जीवन में से जहां पवित्रता चली गई, विवेक चला गया, त्याग चला गया, तो वो जीवन क्या होगा। इस तरह से वो मृत्यु शैया पर आ जाता है। लेकिन जब मृत्यु शैया पर आ जाता है, सुमंत उनको छोड़ने जाते, सुमन अर्थात सु यानी शुभ मन, जिस मन के अंदर शुभ विचार होते हैं। मन हमारा मंत्री है, आत्मा का मंत्री मन है, तो मन भी विदाई लेना चाहता है, अच्छे विचार भी विदाई लेना चाहते हैं पवित्रता, ज्ञान और त्याग के साथ। लेकिन वहां पर श्री राम कहते हैं, नहीं, इस वक्त दशरथ को तुम्हारी आवश्यकता है, कम से कम अच्छे विचार तो उनके पास रहे, नहीं तो उस आत्मा की गति क्या होगी। इसलिए ये अच्छे विचार, अच्छे कर्म, तुम उसके पास चले जाओ, उसके राज्य में जाओ, उसको थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। और इस तरह से उसको वापस अयोध्या लौटा देते हैं। और जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं और सारा समाचार देते हैं दशरथ को, दशरथ के प्राण तन से निकल जाते हैं, बहुत तड़प तड़प करके निकलते हैं। लेकिन यहां एक और कहानी उसके जीवन में जुड़ जाती है, जो ये दर्शाती है कि दशरथ के जीवन में एक कर्म ऐसा था, अनजानेपन से हो गया, कि श्रवण को उसका तीर का निशान वो बन गया और उसका प्राण हर लिया था उसने, अनजानेपन में शब्द भेदी बाण चला करके। और उस समय श्रवण के मात पिता ने, श्रवण कुमार के मात पिता ने उसको श्राप दे दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में मरते हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। अनजानेपन में किया गया एक पाप कर्म किस तरह की तड़पन का अनुभव कराता है,
आज सोचो, हमारे जीवन में तो जाने अनजानेपन में कितने पाप कर्म करते, एक पाप कर्म की सजा भी किस तरह से श्रापित बन करके हमारे सामने आती है और उसकी भोगना का अनुभव करना पड़ता है। तो सोचो, जो हमारे जीवन में जाने अनजानेपन में किए गए पाप कर्म है, उसकी भोगना कैसी होगी, जहां हमने तो अपने दसों इंद्रियों के ऊपर राज्य समाप्त कर दिया है, हर प्रकार की अधीनता में आकर के हम कर्म कर रहे हैं आज के संसार के अंदर, तो उस जीवन का क्या हाल होगा अंतिम समय में, ये हम सोच सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मिसाल, एक कर्म का प्रतीक के रूप में रामायण के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह से जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की ओर, जिस कार्य के लिए श्री राम ने जन्म लिया था, हर आत्मा भी संसार में जब जन्म लेती है तो आत्मा राम का भी एक मकसद होता है, जिस मकसद के को लेकर के हम इस संसार में आते हैं। लेकिन हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने मकसद में आगे बढ़ते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, तो दिखाते हैं कि निषाद राज के राज्य में आते हैं और निषाद राज उन्हें मदद करते हैं गंगा पार कराने लिए। एक केवट को बुलाया और वो केवट का नाम था गुहू, कि जिसने अपनी नाव में उनको पार ले गए, गंगा पार कराया। कहने का भावार्थ यहां पर है कि परमात्मा राम जब इस संसार में आते हैं, निराकार परमात्मा जब इस संसार में आते हैं, तो एक साधारण गृहस्थ तन का आधार लेते हैं, उनकी नाव का आधार लेते हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा है। एक साधारण गृहस्थ, गुहू का मतलब है गृहस्थी, और जो गृहस्थी की नाव का आधार लेकर के गंगा पार करना, अर्थात कलयुगी दुनिया से पार सतयुगी दुनिया की ओर जाना। और उस वक्त दिखाते हैं शास्त्र के अंदर कि जब केवट ने, गुहू ने गंगा पार कराने के लिए श्री राम के चरण धोकर के उन्हें बिठाया, तो श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके उसको देना चाहा भाड़े के रूप में। तब वो गुहू कहता है, अरे तू भी केवट है, मैं भी केवट हूं, तू संसार सागर पार करा देना और मुझे वहां पर अपना भाड़ा दे देना, मुझे यहां ये भाड़ा नहीं चाहिए। तो परमात्मा राम भी जब आकर के इस साधारण तन का आधार लेते हैं और उसका भाड़ा चुकाना चाहते हैं यहां पर, तो ये गृहस्थ, ये गुहू भी यही कहते हैं, मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे वहां दे देना, अर्थात इस संसार के पार वहां सतयुग के अंदर मुझे दे देना। और इस तरह से गंगा पार करके त्रिवेणी पहुंचते हैं। त्रिवेणी पहुंचना अर्थात संगम। तो कलयुग से निकल करके अब हमारी नाव ये संगम युग में आ गई है, जो पुरुषोत्तम संगम का समय है, जहां दो युगों का संगम हो रहा है, कलयुग और सतयुग का। और इस संगम पर आत्मा का संगम भी अनेक ऐसे महान आत्माओं से होता है, जो दिखाते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी भारद्वाज ऋषि के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं संगम पर। ऐसे महान आत्माओं का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। यहां वो महान आत्माएं कौन है? हमारी दादियां जो है, जिन्होंने 70 साल ब्रह्मचर्य व्रत को अपना करके अपने जीवन को एक तपस्या का जीवन बनाया, ये कोई उन ऋषियों से कम थोड़ी है। और इन ऋषियों का सानिध्य मिलना,
इन ऋषियों का संसर्ग होना, उनका दर्शन मात्र होना भी महान पुण्य का उदय होना है, क्योंकि महान आत्माओं का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई जन्म का पुण्य होता है तब ऐसी महान पवित्र आत्माओं का दर्शन भी नसीब होता है। तो इस प्रकार जब रामायण के अंदर दिखाते कि श्री राम भी यही कहते लक्ष्मण और सीता जी को कि हमारे कोई जन्म के पुण्य होंगे जो आज उदय हुआ है और हम इस तरह वनवास में निकले हैं, एक तपस्या वाला जीवन है और जहां हमें महान आत्माओं का दर्शन हो रहा है। वन यानी कहने का भावार्थ के वहां भी कोई प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं कि कहां हम जंगल में ये कांटे चुभा रहे हैं और कैसे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई दूसरा होता था तो कितने नेगेटिव विचार उनके मन में आ जाते हैं, लेकिन श्री राम कहते हैं अर्थात जिनके पास विवेक है वो सही बात को पहले रखता है कि हमारे कोई जन्म के पुण्य होंगे जो आज ये महान आत्माओं के दर्शन हमें नसीब मिला है। आज ये दादियों का दर्शन भी दुर्लभ है, 70 साल की तपस्या उनकी कोई कम नहीं है और उनके सानिध्य में बैठना, उनके महान वचनों को सुनना ये भी हमारे लिए आशीर्वाद रूप बन जाता है और इस प्रकार हम जीवन के अंदर प्रगति कर सकते हैं। और ऐसे उन आत्माओं से प्रेरणा लेकर के कुछ समय वहां चित्रकूट में ठहरते हैं, जहां पर कहते हैं कि तब तक भरत अपने मामा के घर से पहुंच जाता है अयोध्या। और जब उन्हें मालूम पड़ता है वापस लौटने पर कि क्या हुआ, तब वो कहता है मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहां विवेक ही उपस्थित न हो, जहां पवित्रता न हो, जहां त्याग न हो। और इसलिए कहते हैं मैं उनको वापस लेकर के आता हूं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के समर्पण मयता उसकी दिखाई देती है, कैसे वो अपने मन और बुद्धि को समर्पण कर देता है विवेक के आगे, ज्ञान के आगे। जब हम अपने बुद्धि के अहंकार को नष्ट करके समर्पित हो जाते हैं तभी परमात्मा के साथ हमारा योग लगता है, अर्थात परमात्मा राम का भी हमें सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन जब वहां जाते हैं बहुत सुंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जो श्री राम और भरत के मिलन के रूप में दर्शाया गया है, समर्पणताय का विवेक के साथ का मिलन। लेकिन श्री राम कहते हैं मेरा मकसद कुछ और है और इसलिए ये मेरा आदेश है तुम्हें, तुम समर्पित हो गए, अब मैं जैसे कहूं वैसे तुम इस राज्य को चलाओ और इस तरह से तुम राज्य चलाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं, यह एहसास तुम्हें होगा, मेरा प्रतिनिधि बन करके तुम राज्य चलाओ। तो इस प्रकार वो उसको आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके चरण पादुका को अपने हाथ में लेते हैं और अपने सिर पर रखते हैं। इसका भावार्थ है कि जहां परमात्मा की हर आज्ञा को अगर हम भी अपने जीवन में सिर माथे करके चले, जैसे कोई बड़े जब आज्ञा देते हैं, छोटे जो समर्पित बुद्धि होते हैं वो क्या कहते हैं, आपकी आज्ञा सिर माथे। तो भरत ने भी अर्थात आत्मा राम भी परमात्मा की आज्ञा को सिर माथे करके चलते हैं और उसके चरण कमल को प्रतीक बना करके उसके आधार पर राज्य चलाना माना। ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार ये कार्य को चलाया, ये दादियों ने भी उनके कर पद्म चरण कमल पर
अपने पैर रख करके आगे जीवन को बढ़ाया, ये यज्ञ को आगे बढ़ाया, अर्थात उसका अनुकरण किया। हर बात में उनका अनुकरण दिखाई देता है उनके जीवन के माध्यम से कि बाबा ने उनके जीवन में क्या किया होगा। तो इस तरह से वो धन्य धन्य हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और एक महान ऋषि का दर्शन होता है, अत्र ऋषि और सती अनसुया। ये ऐसे महान ऋषि थे जिनके पास दिव्य सिद्धियां थी और वो दिव्य सिद्धियां उन्हें प्रदान करते हैं वस्त्र आभूषणों के रूप में। सीता जी को ये दिव्य वस्त्र प्रदान किए सती अनसुया जी ने। अब दिव्य वस्त्र अर्थात कि जब पवित्रता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आता है और त्याग की भावना जीवन में आ जाती है, बुद्धि समर्पण है, तो परमात्मा से भी हमें दिव्य वस्त्र प्राप्त होते। दिव्य वस्त्र है आत्म अभिमानी स्थिति के वस्त्र के, जहां ये देह अभिमान के वस्त्र उतर जाते हैं और आत्म अभिमानी स्थिति के वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हमारी सुरक्षा निश्चित है। तो इस प्रकार वन के अंदर अर्थात तपस्या के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी प्रकार का विघ्न हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकता है, अगर ये दिव्य वस्त्र हमारे पास प्राप्त है तो। आत्मस्थिति अगर है तो कोई विघ्न हमारे लिए विघ्न नहीं बन सकता है। और इस तरह जब वो आगे जाकर के पंचवटी में ठहरते हैं, पंचवटी अर्थात जहां पंच ज्ञानेंद्रिय का निवास था, और वहां पर जब ठहरते हैं तो रावण की बहन सुपर्णखा वहां आती है। सर्वप्रथम परीक्षा उनके लिए थी मंथरा की, जो मंथरा की परीक्षा को तो पार किया, लेकिन दूसरी परीक्षा थी सुपर्णखा के। सुपर्णखा अर्थात के जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्री राम के पास आती है। श्री राम ने कहा मेरे साथ तो पवित्रता है और इसलिए मैं, मेरे पास आने के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तब वो लक्ष्मण जी को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो हूं ही त्याग स्वरूप आत्मा, मुझे कोई इच्छा है ही नहीं, तो मेरे पास भी तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। और इस तरह से उसको खाली भगा नहीं देते हैं लेकिन उसको कुरूप कर देते हैं। कहने का भावार्थ, विवेक और त्याग के साथ जहां पवित्रता है तो कोई इच्छा वहां उत्पन्न नहीं हो सकती और तपस्या के मार्ग पर वो नित्य आगे बढ़ते ही जाते हैं। और अगर कोई इच्छा आने का प्रयत्न करे भी, कोई लुभाने का प्रयत्न करे भी, तो भी उसको नष्ट कर देते हैं अपने त्याग और विवेक की शक्ति से। और इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो सुपर्णखा अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है, उनको सारा वर्णन करती है और अपने बदला का बदला लेने के लिए उनको प्रेरित करती है। खर और दूषण अर्थात जो जिसके अंदर दुष्प्रवृत्तियां थी, तो दुष्प्रवृत्ति के स्वरूप खर और दूषण उनके भाई बदला लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हैं। विवेक है, त्याग है, उसको दुष्प्रवृत्ति क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस तरह खर और दूषण मारे जाते हैं उस युद्ध के अंदर, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण को हिला नहीं सकते।
तो आत्मा राम ने अगर विवेक को जीवन के अंदर बहुत गहरा स्थान दिया हुआ है, त्याग की भावना को अगर अपनाया है, तो कोई भी दुष्प्रवृत्ति उनको हिलाने की सामर्थ्य नहीं रख सकती है और इस तरह से उनको खत्म कर देते हैं। और ये बात जब रावण को पता चलती है, दशानन को, तो उसके अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है, जबकि वो जानता था कि ये कोई साधारण कुमार नहीं है जिसने अभिमान को नष्ट कर दिया, जिन्होंने दूषण को, बुराइयों को नष्ट कर दिया, जिसने इच्छाओं को जीत लिया है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसलिए उनका बदला लेने के लिए उनके ऊपर सीधा आक्रमण नहीं करना चाहिए। माया भी जीवन के अंदर अलग अलग स्वरूप से हमारे सामने आती है और जब सीधे अटैक से वो आत्मा को जीत नहीं सकती तो वो एक धोखे का स्वरूप लेना चाहते हैं। इसलिए रावण ने भी मारीच का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया। रावण एक ऐसा विचित्र शत्रु दिखाया गया है जो वेदों शास्त्र का ज्ञाता था, विवादों में कोई उसको हरा नहीं सकता था, जिसके पास कला और विज्ञान का ज्ञाता था। वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 इंसान जितनी बुद्धि थी, इतना बुद्धिशाली था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दूसरे की पत्नी का हरण करने का एक घिनौना कृत्य उसने किया था।